हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट एंड माय शिव रोशिका. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्च मंथ की करंट अफेयर्स, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट. इससे पहले हमारी पॉलिटी, आईआर और इकोनॉमी की लेसन कंप्लीट हो गई है. पहले हम लोग इन्वायरमेंट के लेसन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक चलेंगे, और फिर बाकी की जो हमारी सिक्योरिटी एंड सोशल इशूज़ की टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के इन्वायरमेंट के लेसन. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है इस बार इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड. तो जितनी भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड में जो इलीगल होती है, यानी कि जो व्यापार किया जाता है जंगली जानवर या फिर कोई भी जानवर, कोई भी पौधे के साथ अगर यहाँ पर आपका ट्रेड किया जाता है, तो इलीगल तरीके से अगर किया जा रहा है तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं. और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंट आउटब्रेक हम लोग देखे कोरोना वायरस एपिडेमिक की है. तो इसी के बारे में ये लिंक बैठाया जा रहा है कि एक तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रही है और दूसरी क्या है कि जूनोटिक डिजीज हो रही है. तो इन दोनों के बीच में लिंक बैठाकर यहां पे हम लोग पूरी स्टडी करने वाले हैं कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है फिर से लाइमलाइट में आ चुकी है, तो इसके बारे में अब पढ़ना जरूरी है. सबसे पहले बात समझिए यहां पे जूनोटिक डिजीज. जूनोटिक डिजीज क्या होती है? जब किसी एनिमल से जो है ना ह्यूमन बींग्स में कोई भी अगर डिजीज ट्रांसफर होती है तो उसको हम लोग जूनोटिक डिजीज कहते हैं. जैसे कि ये तो हमारी कोरोना वायरस है, ऐसा अभी तक ये तो आपकी पूरी तरीके से फिक्स नहीं पता चला है कि किस एनिमल से इसको ट्रांसफर किया गया, लेकिन हाँ हम लोग इतना तो न्यूज़ में देख चुके हैं कि चाइना के वुहान सिटी से ये निकल कर आई है, और वुहान में जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को खाते हैं, तो मे बी उस तरीके के एनिमल्स से जो है ना ये आपका जो वायरस है वो ट्रांसफर हुआ है ह्यूमन बींग्स में. तो इसको एज ए कंसिडर किया गया है जूनोटिक डिजीज़, लेकिन अभी तक इसकी जो पता नहीं चल पाया कि मेन होस्ट कौन है. तो ये भी है, साथ ही इससे आप लोग पहले इससे पहले अगर एक साल पहले आप लोग को ध्यान होगा कि नीपा वायरस भी आई थी, जो कि आपकी बैट जो है चमगादड़, उससे ये पता चला था कि निपा वायरस ट्रांसफ़र हो रही है. तो इस तरीके की डिजीज़ेस को जूनेटिक डिजीज़ कहते हैं. चलिए कुछ बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं. अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है इसके हिसाब से देखें, तो जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि पर ईयर ये $20 बिलियन तक का ये रीच कर चुकी है. यानी कि इतना ज़्यादा का ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है ना, ये गलत तरीके से जो ट्रेड होती है वो $20 बिलियन तक का है, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है. यानी कि गलत तरीके से जितने भी वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जितने भी पशु है कि जितने भी आपके स्पेसिस हैं, उनको जो है किडनैप किया जाता है, ट्रैफिकिंग की जाती है. और वर्ल्ड की 4 लार्जेस्ट इलिसिट ये आपकी ट्रेड है. किसके किसके बाद? तो नारकोटिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो काउंटरफिट गुड्स में अगर ट्रेड होता है. तो ये 4 ऐसी हमारे वर्ल्ड की यहाँ पे गलत तरीके की व्यापार होती है जिससे कि पैसा बहुत आता है. इलीगल काम में आप लोगों को पता है कि पैसे ही भरमार होते हैं, तो इसको भी यहाँ पे काउंट कर दिया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा कि इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है ना, ये हमारी 4th लार्जेस्ट ट्रेड है. सबसे पहले नंबर पर है नार्कोटिक, यानी कि ड्रग्स वगैरह जो किया जाता है, इलीगल ड्रग्स की जो सप्लाई वगैरह की जाती है, इसमें आप लोगों को पता है कि कितने खर्चे होते, कितना ज़्यादा पैसा है इसमें. उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो तस्करी वगैरह किया जाता है आप लोगों को और लड़कियों को, बच्चों को जो किडनैप करके उनसे जो है गलत काम कराया जाता है. साथ ही काउंटरफिट गुड्स होते हैं, जो कि आप लोग देखते हो कि नकली नोट का जो सप्लाई किया जाता है, इस तरीके का जो काम है ना, इसमें बहुत भर भर के पैसे होते हैं और ये बिल्कुल गलत काम है, इसलिए इसमें पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं. साथ ही यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिमांड किया जाता है ट्रेड से, और पोचिंग भी होती है. जैसे कि यहाँ पे एग्जॉटिक पेट्स है, लग्जरीज है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ है जिसका कि ट्रेड वगैरह में काफ़ी डिमांड है. उसके बाद बुश मीट है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, क्लोथिंग एंड ज्वेलरी है, जो कि यहाँ पे एनिमल के फर से बनाया जाता है, टस्क से, एनिमल का जो खाल होता है उससे बनाया जाता है, एनिमल की सेल से, एनिमल की स्किन से, एनिमल का जो हॉर्न है यानी कि उनके जो सिंग है उससे, और जो इंटरनल ऑर्गन है, इन सारी चीज़ों से जो उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती है, मीट वगैरह होती है. तो ये सारी चीज़ों का जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है. अब देखते हैं कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से इम्पैक्ट क्या क्या होता है. सबसे पहला है कि हमारी स्पीसीज़ है जो कि हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा, उसको कंजर्व जो किया जाता है ना, उसके लिए थ्रेट है. यानी कि हम लोग कंजर्व नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे डिक्लाइन हो रही है. उसके साथ साथ यहाँ पर रिस्क है ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि इसी तरीके से जो जानवर को खाया जाता है ना, तो इसी तरीके का डिजीज़ आज के डेट में आप लोग देखते हो कि सेवरल नंबर ऑफ डिजीजेस है जो कि आपका एनिमल से ह्यूमन बींग में ट्रांसफर हो रहा है. तो इसी तरीके की डिजीज़ भी ट्रांसफर हो रही है, और साथ ही साथ नेगेटिव इम्पैक्ट है कंट्री के नेचुरल रिसोर्स के और लोकल कम्युनिटीज़ के. तो ये सारी यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट है जो कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से देखने को मिलता है. अब इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड है इंडिया में, इसके लिए एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि इंडिया में ये कैसे चलती है और कैसे नहीं चलती है, क्या क्या इंडिया में इसका काम धाम है. तो एक बात मुझे बताइए, मुझे लग रहा है कि ये जो आपकी
जो मैं यहाँ पे आपको ये पीडीएफ पीपीटी बनाई हूँ, इसमें थोड़ी सी फॉन्ट छोटी लग रही है ना, आप लोग को देखने में विजिबल है कि या फिर प्रॉब्लम हो रही है, या तो मैं नेक्स्ट टाइम से जो है दूसरी में इस दूसरे तरीके से यहाँ पे आपकी लार्ज फॉन्ट लेकर आऊँगी। जैसे अभी इन्वायरमेंट की थी जो PT 365 की, और गवर्नमेंट स्कीम्स की PT 365 की जो मैं पीपीटी बनाई थी वो तो बहुत अच्छी विजिबल थी, आप लोग की तरफ से जो है कोई भी तरीके का कंप्लेन नहीं आया था। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल फॉन्ट है। बट अब अगर आप लोग को कंफर्टेबल है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको चेंज कर दूंगी, बड़े फॉन्ट में लेकर आऊंगी। ठीक है, तो ये जो आपकी मैगजीन है ये विजन आइज की ही मैगजीन है, जो कि मार्च मंथ की मैं आधा कंप्लीट करी हूँ और आधा मैं अभी कंप्लीट करूंगी। तो इसी तरीके से आपका चलेगा पीपीटी के फॉर्म में। आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आंसर मिल गए होंगे कि क्या हुआ है और किस वजह से मुझे यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ा है। बट डोंट वरी, आप लोग जो है टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं लेसन आप लोग को, जितने भी प्रीवियस लेसन है, मैं टाइम टू टाइम आप लोग को वहाँ पर शेयर करते रहूँगी, और आप लोग स्क्रॉल डाउन भी करके सारे लेसन को वहाँ से आप लोग देख सकते हो, जितनी भी PT 365 की या फिर प्रीवियस मंथ की जो भी आप लोग की विजनाइज की मैगजीन्स है। ओके, आइए अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते। तो ये है हमारी जो है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में देख लेते हैं। इंडिया में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2.4% जो वर्ल्ड की लैंड एरिया है इसमें यहाँ पे आपका ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, साथ ही 8% जो नॉन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ है उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसमें कि आपकी ओवर 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है और 91,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल है। तो हमारे यहाँ भी कम इलीगल ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर हम लोग वर्ल्ड की लैंड एरिया का देखें तो 2.4% हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है, और 8% जो कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ में हमारी इंडिया जो है वो भी इंक्लूड है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट इंक्लूड है इस तरीके से गलत तरीके का व्यापार में, और 91,000 एनिमल्स है। मतलब आप लोग समझ रहे हो, कैन यू इमेजिन कि कितने बड़े नंबर पे हमारे कंट्री में भी इस तरीके का इलीगल व्यापार हो रहा है। इंडिया में आप देखोगे तो इलीगल का जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है इसमें क्या क्या है कि बहुत सारे डाइवर्स प्रोडक्ट है, यानी कि मोंगूज के हेयर, जो मोंगूज होते हैं ना उनकी हेयर बहुत डिमांडेड है, स्नेक के स्किन यानी कि स्नेक के खाल जो होते हैं, राइनो हॉर्न, वन राइनो हॉर्न जो है उनके हॉर्न वगैरह, टाइगर और लेपर्ड क्लॉज, तो ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, और इंडिया में इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है वो इन सारी चीज़ों से होती है। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2017 देखे तो उसमें ये हाईलाइट किया गया था कि 52% जो स्पाइक है पोचिंग में और वाइल्ड लाइफ जो क्राइम है वो यहाँ पे 2014 और 16 में जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ते गई है और 52% तक हो गई है। 2018 में बात करें तो ट्रैफिक इंडिया है जिन्होंने एक स्टडी रिलीज़ करी थी, और जिसमें ये रिवील किया गया था कि एटलीस्ट 5,772 पैंगोलिन्स हैं जिसको इंडिया में कैप्चर किया गया है 2009 से 2017 में, जिनका कि इलीगल यानी कि गलत तरीके से व्यापार होता था। और जो मेन रीज़न है इस तरीके से आपका गलत तरीके से जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो रही है इंडिया में, ये इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स में भी हो रही है। और जो मेन कंज्यूमर मार्केट है वो देख लीजिए, चाइना है, साउथ ईस्ट एशिया है, और वाइल्ड लाइफ जो है ना वो गल्फ एरिया में, यूरोप में, नॉर्दर्न अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा ये स्मगल भी किया जाता है। अगर इंडिया के बियॉन्ड देखें तो मेन जो ट्रांसिट कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है जहाँ पे इलीगल जो आपका वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, तो नेपाल है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, तो ये सारे हमारे पड़ोसी देश है। तो हम नहीं, हमारे पड़ोसी देश भी इन सारे काम में बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, इंडिया की यहाँ पर बातें याद रखनी है, क्योंकि आप कोरोना वायरस से रिलेटेड एक छोटी सी छोटी न्यूज़ को भी आप लोग को पकड़ के रखनी है, उसके बारे में आपकी पास क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है इंडिया में कि हम लोग जो है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को काउंटर कर सके। तो सबसे पहली है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, यानी कि हमारे संविधान में भी इस तरीके की बात की गई है, आर्टिकल 51AG, जो हम लोग कल की इवनिंग लेसन्स में योजना मैगजीन की जो मैं डील करी थी अप्रैल मंथ की थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थी, और हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में देखे हैं। तो इसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है हर एक सिटीजन का जो कि इंडिया में रहते हैं, तो उनको अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है, जिसमें कौन कौन सी है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, और हमें जो है ना कंपेशन भी करनी है लिविंग क्रिएचर्स के साथ, यानी कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक लिविंग, जितने भी हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया है इनकी ड्यूटी है कि हम लोग अपने नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड है यहाँ पे लॉज एंड गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है और हमारे यहाँ क्या कानून है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो 1800 से ऊपर जो स्पीसीज है वाइल्ड एनिमल, प्लांट और उनके डेरिवेटिव, उनके ट्रेड को रोका जाता है, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 है, जो कि अथॉरिटीज़ को ये एम्पावर देती है कि इस तरीके का अगर वाइल्ड लाइफ को कहीं से भी अगर हार्म पहुँचाया जा रहा है तो उनको पेनालाइज किया जाएगा और उनको इवन जेल भी होगा। उसके साथ साथ इंडियन पीनल कोड है IPC की, जो कि 1860 की है, तो यहाँ पे सेक्शन 428 है और सेक्शन 429 है, जिसमें कि आपका किलिंग है, पोचिंग है, मैनिंग है, पॉइजनिंग है और यहाँ पे टॉर्चरिंग है, किसी भी एनिमल को अगर इस तरीके का टॉर्चरिंग वगैरह किया जाता है या फिर मारा जाता है, पोचिंग किया जाता है, तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
सिविल ऑफेंस यानी कि इस तरीके का अपराध है कि इसमें आपको बेल भी मिलेगा नहीं अगर आपको एक बार जेल चले गए तो, और साथ ही साथ पनिशमेंट भी है रिग्रस इम्प्रिजमेंट है, यानी कि आपको काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे आपको जेल भी हो सकती है, यानी कि ये 5 ईयर्स और इससे ज़्यादा भी आपको हो सकती है। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका प्रावधान भी है, यानी कि कानून भी है हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये एक स्टैटटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो काम करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत करती है, जो कि यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे आपकी वाइल्ड लाइफ क्राइम होती है कंट्री में उसको रोकती है। ऑर्गेनाइज यानी कि जो ग्रुप में आपका जो काम किया जाता है, यानी कि प्लानिंग करके इस तरीके का जो आपका इलीगल ट्रेड किया जाता है ना, तो उसको यहाँ पे रोका जाता है, और ये जो रोका जाता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत रोका जाता है। तो ये जो आपकी यहाँ पे बॉडी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसके बारे में अभी तक UPSC जो है क्वेश्चन नहीं पूछिए, तो मुझे क्यों ऐसा जो है इंट्यूशन आ रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और क्या इनिशिएटिव ली गई है, तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ की पार्टिसिपेशन भी है, 5 करोड़ लोग जो भी यहाँ पे नेशनल पार्क में रह रहे हैं सेंचुरी में रह रहे हैं वो यहाँ पे काम करते हैं एज ए पार्टनर्स जो कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। साथ ही साथ 15 ईयर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लिया जा रहा है 2017 से लेकर 2031 तक की है, जिसमें कि स्पेशल फोकस दिया जाएगा लोकल की पार्टिसिपेशन का, यानी कि लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और जो यहाँ पर हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पर जो है कंजर्व करेंगे। साथ ही डिमांड रिडक्शन कंपेन भी चलाया जा रहा है, और ये है मई 2019 से, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है ना उन्होंने एक कंपेन लॉन्च करी है, और वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट के साथ, जो कि यहाँ पे कंपेन का नाम है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, यानी कि हर एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने चॉइस से माइग्रेट नहीं होते, उनको यहाँ पे इलीगल तरीके से ट्रेड किया जाता है तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये कंपेन लॉन्च किया गया था जिससे कि सारे लोगों में अवेयरनेस पहुँचा सके। उसके बाद टाइगर, पेंगोलिन, स्टार टॉटोइस और टोके केको है जिनको फीचर किया गया था इन कंपेन में, यानी कि इस तरीके के कंपेन में जो है आपका मेनली फोकस किया गया था ये सारे स्पीसीज के ऊपर। अब देखते हैं कि वे अहिट में क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये एक अर्जेंट नीड है जिसको यहाँ पे नॉलेज में होना चाहिए और कुछ एक्शन लेना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को जो है ना सस्टेनेबल लेवल पे ला सके, और जो इलीगल यानी कि गलत तरीके से जो व्यापार हो रही है उसको अच्छे तरीके से हम लोग रोक सके। और साथ ही साथ एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक साइंस में, जो कि एक डिसिप्लिन होगी जिसमें कि जो भी यहाँ पर क्राइम हो रही है ना उसको यहाँ पर डील किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट है वो भी कहाँ, UK में, तो उन्होंने एक टेक्निक को डेवलप करी है जिससे कि वो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है ना ऑफ वेदर्स का और एक का उसको यहाँ पे लिफ्ट कर सकते हैं। तो अनलेस अगर गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटीज़ एक साथ काम नहीं करेगी तो वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इसी तरीके से ख़त्म होते जाएगी, इसलिए कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये कोलैबोरेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ भी होनी चाहिए। और एक इफेक्टिवनेस का ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में जिससे कि इसको बेटर तरीके से मॉनिटर कर सके, इवेलुएट कर सके, और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको अच्छे तरीके से क्लियरली तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, वो भी कंट्री बाय कंट्री बेसिस में। हर एक कंट्री में अलग तरीके की प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेजोरिटी हम लोग को अपने कंट्री में फोकस करना है, क्योंकि इतने लार्ज नंबर पे हमारे कंट्री में अगर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को हम लोग रोक सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और डेटास देख लेते हैं, जैसे कि इनबॉक्स आपका दिया रहता है ना वीज़न आईएस में, तो वो सारी डेटास अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को यहाँ पे कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले ट्रैफिक है, जो कि 1976 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था, और ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है और जॉइंट प्रोग्राम है वो भी WWF और IUCN के साथ, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही ये काम करती है नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारे एजेंसीज़ के साथ, कि उनको हेल्प मिल सके स्टडी करने में, मॉनिटर करने में, साथ ही इन्फ्लुएंस करने में कोई भी एक्शन की किस तरीके से इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रही है उसको रोक सके, और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को जो है सस्टेनेबल लेवल में किस तरीके से ला सके। तो ये सारा काम जो करती है वो ट्रैफिक करती है। उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर साइट्स, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ये आपका जो है ना ये कंजर्वेशन करती है कोई भी तरीके का अगर आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में अगर ट्रेड होती है तो। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं और साइन किया गया था 1973 में। एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वाइल्ड लाइफ में अगर कोई भी ट्रेड होती है तो उसको रेगुलेट किया जाता है। इसके गाइडेंस के अगर अंदर देखें तो गवर्नमेंट जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में है वो कुछ स्टेप लेते हैं कि किस तरीके से इलीगल ट्रेड को रोका जाए और इसको जो है इसी के अंदर कंट्रोल में जो है इसको ब्रिंग किया जाए, लिया जाए। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया भी इसकी यहाँ पर मेम्बर है, तो साइट्स की मेंबर है ये भी ध्यान रखिएगा। एक है IFAW, यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल वेलफेयर और कंजर्वेशन चैरिटी है वर्ल्ड की। ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है ना ये एक इंडिविजुअल एनिमल को रेस्क्यू करने में यानी कि बचाने में हो हेल्प करती है,
सेफगार्ड पॉपुलेशन देती है और साथ ही साथ उनकी जो रहने की जगह है उसको प्रिजर्व करती है और एडवोकेट करती है कि जिससे कि यहाँ पे ग्रेटर प्रोटेक्शन वो सारे स्पेसिस को मिल सके। तो ये तीन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि आप लोग को ध्यान रखना है कि इस तरीके से वो लोग जो है ना वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में यहाँ पर काम करती है। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये आर्टिकल जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब सेकेंड आर्टिकल आते हैं जो कि है ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020। तो इसको कहते हैं हम लोग EIA। तो इसके बारे में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि आपका जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, लेकिन इस बार आप लोग देखिए कि न्यूज़ में की होती मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे एक प्रपोज़ करी है कि वो यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे, एक नोटिफिकेशन लेकर आएंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में कितना इम्पैक्ट हो रहा है उसी को यहाँ पर बेटर तरीके से एसेस किया जाएगा और उसी को एक्सेस करके जो है ना फर्दर यहाँ पर रिपोर्ट और फर्दर जो है प्लान लेकर आया जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है इस तरीके के EIA नोटिफिकेशन में। अब कुछ बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं, सारे प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आते हैं उनको यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ज़रूरी है कि वो अगर अपना काम करना चाहते हैं तो उनके लिए वो उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है। और साथ ही साथ EIA नोटिफिकेशन पहले की 2006 थी जो कि ये आपका EPA रेगुलेट करती है, इसके अंदर में रेगुलेट करती है, और EC जो है ना वो यहाँ पे यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट जैसे कि डैम बनानी है, माइनिंग करनी है, थर्मल पावर प्लांट लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जैसे कि हाईवे बनानी है, पोर्ट्स बनानी है, एयरपोर्ट बनानी है या फिर बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है, तो इस तरीके का जो है ना यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पे आपका लेना पड़ता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे क्या होता है कि देखा जाता है कि इस तरीके का अगर प्रोजेक्ट बन रही है, ओपन इन्वायरमेंट में अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इससे कहीं इन्वायरमेंट को क्षति तो नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट को कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके का काम करने से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और इसी को पूरा देख समझ के जो है ना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। जो न्यू नोटिफिकेशन है ये एक तरीके का ऑर्डर लेकर आएगी और एक अच्छा खासा प्रोसेस होगा जिसमें कि अच्छे से तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगी और साथ ही इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, वो भी ऑनलाइन सिस्टम में। तो आपको पता है कि सारी जितने भी आप हमारी स्कीम्स थी पहले की, जितनी भी सारी प्लानिंग थी, आज के डेट में उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया है और साथ ही साथ कोशिश किया जा रहा है कि ऑनलाइन मोड में जो है सारी चीज़ों को लाया जाए। जैसे कि अब इस बार आप लोग देख सकते हो कि लॉकडाउन है और इस समय हम लोग ये समझ रहे हैं कि सारी चीज़ों का ऑनलाइन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ऑनलाइन होना ज़रूरी है, तो इसलिए इसको ऑनलाइन सिस्टम में लाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि ये नोटिफिकेशंस जो है बहुत सारे स्कैटर्ड जो अमेंडमेंट है उसको भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगी और गवर्नमेंट को भी यहाँ पे टाइम टू टाइम यानी कि 2006 की जो नोटिफिकेशन है उससे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन है और यहाँ पे कोर्ट और जो NGT है उसकी डायरेक्शंस भी यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही पता चलेगा। तो NGT बनाया गया था 2010 में और ये जो बनाई गई थी ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यानी कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो अब NGT देती है, यानी कि ये देखती है कि किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए और इन्वायरमेंट को ग्रीन बनाने के लिए इस तरीके का ट्रिब्यूनल बनाया गया है। अब यहाँ पे जो ड्राफ्ट किया जा रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इसकी नोटिफिकेशन की और इसके एनालिसिस देखते हैं, कुछ इनकी सैलिएंट फीचर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज देखते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या रखा गया है। 2006 की जो नोटिफिकेशन थी उसमें कोई भी तरीके का डेफिनेशन क्लॉज नहीं था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता था ये समझने में कि बहुत सारी टर्म्स जो नोटिफिकेशन में इस्तेमाल हुई थी। 2020 की जो ड्राफ्ट की जा रही है ना इसमें बहुत सारा चीज़ों को डिफाइन भी किया गया है, जैसे कि आपकी सीवियरली पॉल्यूटेड एरिया कौन है, पब्लिक कंसल्टेशन क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ों को जो है इस क्लॉज के अंदर काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। कैटेगराइजेशन देखिए अगर प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ की तो वो भी यहाँ पे की गई है। 2006 की नोटिफिकेशन की कैटेगराइज देखें तो सारे प्रोजेक्ट और सारी एक्टिविटीज़ जो है ना दो कैटेगरी में थी, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, और ये जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो डिवाइड किया गया वो सारे प्रोजेक्ट को और एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर रही है, यानी कि जो न्यू हम लोग बनाने वाले हैं इसमें क्या क्या है, ए है, B1 है, B2 है, साथ ही साथ ये किसमें है तो इस सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के पोटेंशियल को देखकर यहाँ पे किया जा रहा है। सारे प्रोजेक्ट जो कि कैटेगरी ए में आएंगे तो उनको यहाँ पे पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ज़रूरी है और ये क्लियरेंस अब कौन देंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देंगे। साथ ही कोई भी यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है इसकी ज़रूरत नहीं होगी वो प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे कैटेगरी B2 में होंगे। साथ ही यहाँ पे जो आपका ड्राफ्ट किया जा रहा है इससे कुछ सर्टेन प्रोजेक्ट होंगे जो कि फर्स्ट टाइम आपकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस में आएगी, जैसे कि आपकी ब्रिजेज हो गई या फिर कोई एलिवेटेड रोड है जैसे कि आपका रोड को उठाने वाला जो रोड होता है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो आएगी ना ये ग्रीन असेसमेंट के अंदर में आएगी, ठीक है। तो यानी कि हमारी कैटेगरी ए में जो यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट आती है उसको तो मस्ट हैव है कि उनको यहाँ पे आपकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है और वो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से लेना है। लेकिन जो यहाँ पे आपकी कैटेगरी B2 में आएगी उसको यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए यहाँ पे कोई भी आपका रिपोर्ट जो है ना उसको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। तो पब्लिक कंसल्टेशन है ये मैंडेटरी रखा गया आपका कैटेगरी ए के लिए और कैटेगरी बी वन के लिए। तो ये जो ड्राफ्ट किया जा रहा है ना, इसमें ये है कि जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया है और इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है, यानी कि पब्लिक कंसल्टेशन, जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि पब्लिक का भी कंसल्ट करने का ज़रूरत है, यानी कि जो लोग उस जब डैम बनाया जा रही है, कुछ हाईवे, कुछ रोड बनाई जाती है, तो वहाँ के कुछ लोग रहते हैं, तो उन लोगों को भी कंसल्ट करने का ज़रूरत था। लेकिन अब क्या है कि लोगों की कंसल्टेशंस को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है, वो भी जब यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा, यानी कि अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, तो यहाँ पर लोगों की जो है कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक कंसल्टेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है वो प्रोजेक्ट के लिए जिसमें कि आपकी कोई इरीगेशन प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है, यानी कि इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑलरेडी है लेकिन उसको फिर से कोई न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी लगा के जो है फिर से मॉडर्नाइज़ की जा रही है, या फिर एरिया को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, किसी एरिया को और ज़्यादा डेवलप करना है, इनलैंड वाटरवेज़ है, या फिर कोई भी नेशनल हाईवेज़ को चौड़ा करना है, या फिर और ज़्यादा बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, और सारे प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे नेशनल डिफेंस से और सिक्योरिटी से अगर कंसर्न है, या फिर कोई और स्ट्रैटेजिक कंसिड्रेशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है, या फिर सारे लीनियर प्रोजेक्ट है जैसे कि पाइपलाइन वगैरह, जो आप लोग आज के डेट में देख रहे हो कि पाइपलाइन कनेक्टिविटी बहुत बढ़ते जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, साथ ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो बॉर्डर एरिया में जो पाइपलाइन है, या फिर ऑफ शोर प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल से अगर आपका बियॉन्ड में ये लोकेटेड है, तो ये सारी जगह पे जो है ना आपका पब्लिक कंसल्टेशंस को एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि लोगों की यहाँ पे जो है आपकी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों की कंसल्ट करने की कहाँ ज़रूरत है भैया, जहाँ पे डैम बना रहे हैं, क्योंकि डैम जहाँ पे बनाते हैं आपको पता है वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग शिफ्ट किए रहते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, उनका दिनचर्या, उनका लाइवलीहुड पूरे वहीं पर डिपेंड करता है। तो अगर डैम बनाया जा रहा है तो बेटर है कि वहाँ के लोगों को पहले डिस्प्लेस किया जाए, वहाँ से हटाया जा रहा है तो उनको एक अच्छा जगह ला कर दे जहाँ पर उनकी जिस तरीके से दिनचर्या चल रही थी उसी तरीके से चलना चाहिए, उनको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ देना चाहिए। तो ये सारी जगहों पे जो है ना कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब ये सारी जगहों पे कंसल्ट करने का क्या ज़रूरी है, अगर नेशनल हाईवे को और चौड़ा किया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है, तो हाईवे की तरफ थोड़ी ना लोग रहते हैं, या फिर वो प्रोजेक्ट जहाँ पर आपका इरीगेशन प्रोजेक्ट है तो इरीगेशन प्रोजेक्ट को और मॉडर्नाइज़ करो, टाइम टू टाइम जो वो अपडेट होता है, तो इसमें लोगों की कंसल्ट नहीं लेना है। साथ ही एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, किसी एरिया को और अच्छे तरीके से डेवलप करना है तो उस एरिया में ऑलरेडी डेवलपमेंट हुआ है उसको और बेटर तरीके से न्यू टेक्निक और न्यू टेक्नोलॉजी लगाना है, तो उसमें लोगों की कंसल्ट लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इतनी सारी जो आपका यहाँ पे बातें रखी गई है, तो मैं आपको ऐसे एक लोकल लैंग्वेज देके, लोकल एग्जांपल देके इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग समझ सको, ये कंफ्यूज मत होना कि पब्लिक कंसल्टेशन की कहाँ ज़रूरत है और कहाँ नहीं ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन हाँ, पब्लिक कंसल्टेशन जो है मैंडेटरी है प्रोजेक्ट ए में और प्रोजेक्ट बी वन में, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि टाइम पीरियड फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, यानी कि क्या टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे एक रिडक्शन किया गया है टाइम पीरियड का, यहाँ पे 30 डेज से 20 डेज कर दिया गया, पहले 30 डेज था लेकिन अब 20 डेज कर दिया गया कि पब्लिक अपने रिस्पॉन्स को यहाँ पे सबमिट करेंगे। साथ ही यहाँ पे ज़रूरत है कि पब्लिक हियरिंग प्रोसेस भी होनी चाहिए जिसको 40 डेज में यहाँ पे कंप्लीट करना है। अगर लोगों की यहाँ पे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको 40 दिन में सुन के जो है ना खत्म कर देना है। और यहाँ पे आपकी 2006 में क्या नोटिफिकेशन में थी, तो 45 दिन थी, लेकिन अब यहाँ पे 40 दिन हो गए हैं। साथ ही लैक ऑफ एडिक्वेट टाइम, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ व्यूज़, लोगों की जो व्यूज़ होती है, कमेंट होती है, सजेशन होती है, उसको प्रिपेयर करने के लिए जो एडुकेट टाइम है उसकी कमी थी और ये अफेक्ट कर रही थी प्रोजेक्ट को, तो इसको भी यहाँ पे देखना है। वहीं अगर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात करें तो इन्वेस्टर फ्रेंडली जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है, प्रोजेक्ट जो ओनर है ना वो यहाँ पे सबमिट करेंगे इन्वायरमेंटल कंप्लायंस रिपोर्ट को हर एक साल, वो भी पहले यहाँ पे 6 महीने में था लेकिन अब यहाँ पे हर एक साल जो है वो सबमिट करेंगे। साथ ही इस टाइम में क्या होगा कि कुछ अगर इरिवर्सिबल अगर इन्वायरमेंटल, सोशल और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आती है इस प्रोजेक्ट से तो उसको भी यहाँ पे अननोटिस किया जाएगा क्योंकि एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि मॉनिटरिंग भी यहाँ पे टाइम टू टाइम किया जाएगा और हर एक साल यहाँ पे जो है आपका प्रोजेक्ट ओनर को यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंप्लायंस को यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, तो पहले की आपकी 2006 की नोटिफिकेशन में क्या है और इस बार की 2020 की नोटिफिकेशन में क्या है, ये आपकी जो प्रोविज़न है क्लियर होनी चाहिए। अब वॉयलेशन केसेस को कैसे डील किया जाएगा, यहाँ पे न्यू सेक्शन है इस ड्राफ्ट में और वो है वॉयलेशन, यानी कि जहाँ पे प्रोजेक्ट या तो स्टार्ट करेगी कंस्ट्रक्शन या तो यहाँ पे एक्सेवेशन करेगी, जो भी यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, तो अगर यहाँ पे बिना किसी आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के पहले होगा या कोई भी तरीके यहाँ पे आपका काम किया जाएगा, तो एक न्यू सेक्शन रखा गया है इसमें, यानी कि उसको क्या कहेंगे, वॉयलेशन है। यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो आपका कैटेगरी वन में, ए वन में लेना जरूरी है, तो अगर नहीं लिया गया तो यानी कि यहाँ पे जो रूल्स है उसका ये आपका जो है वॉयलेट कर रहे हैं। मार्च 2017 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन के साथ आई थी और यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को वो प्रोवाइड करी थी कि एक चांस है कि जो इस तरीके का वॉयलेशन केसेस है ना उसको रेगुलाइज किया जाए। तो यहाँ पे सपोज किया जा रहा था कि वन टाइम चांस है, लेकिन अभी जो यहाँ पे ड्राफ्ट निकल कर आ रहा है ना, ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे अलाउ कर रही
रही है कि वो पोस्ट फैक्टो जो अप्रूवल है उसको भी यहाँ पे देखे और जो बहुत सारे पर्पस है पहले के अप्रूवल के तो उसको भी यहाँ पे डिफीट करे। तो ये सारी चीज़ें भी है, यानी कि वॉयलेशन का केस भी रखा गया है कि अगर कोई भी तरीके के रूल्स रेगुलेशंस को यहाँ पे वॉयलेट करते तो उनकी प्रोजेक्ट भी यहाँ पे कैंसिल हो सकती है, इतना तक का भी प्रोविजन रखा गया है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये एक इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है जिससे कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उनका भी ये ऑब्जर्व था वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम में, जो कि वो यहाँ पे देख रहे थे कि कंपनीज जो है ना वो वाइटल थी कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो यहाँ पे पॉल्यूशन भी कर रही थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डॉक्ट्रिन है उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था कि इस तरीके के कंसेप्ट को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो इन्वायरमेंटल आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ना वो इस तरीके का बैलेंस भी प्रोवाइड करती है कि एक साइड हमारी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए साथ ही साथ जो है हमारी इन्वायरमेंट भी मेंटेन होनी चाहिए। समटाइम्स आप मेंस के क्वेश्चन देखते होंगे कि कई बार ये पूछा जाता है कि डेवलपमेंट से क्या हो रही है कि हमारी इन्वायरमेंट नुकसान हो रही है, तो इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है नोटिफिकेशन लेकर आया गया, पहले 2006 थी लेकिन अब 2020 ड्राफ्ट की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कि स्टेजेस जो है इन प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और कौन कौन सी स्टेज है जो कि प्रायर इन्वायरमेंटल परमिशन प्रोसेस में है, तो इसके बारे में कुछ स्टेजेस देख लेते हैं जो कि यहाँ पे आपकी लिखी गई है। तो फर्स्ट स्टेजेस है यानी कि स्कोपिंग, यहाँ पे स्कोपिंग मीन्स जो प्रोसेस है कि यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस को डिटरमाइन किया जाएगा वो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा कि वो यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करें। स्टेज टू में क्या होगा कि यहाँ पे ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि ये जो रिपोर्ट इसको बनाई जा रही है उसको प्रिपेयर किया जाएगा वो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के द्वारा, और यहाँ पे जो आपका किया जाएगा वो यहाँ पे एक्रीडेटेड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कंसल्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। थर्ड में क्या होगा कि पब्लिक कंसल्टेशंस होगी, यानी कि यहाँ पे कंसर्न देखा जाएगा लोकल अफेक्टेड पर्सन का, अगर इस तरीके के डेवलपमेंट से उन लोग को कुछ अफेक्ट हो रहा है तो उनकी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी, उनकी बातें सुनी जाएगी। और फोर्थ स्टेज में क्या है कि फाइनल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रिपेयर होगा। फिफ्थ में क्या है कि अप्रेजल है, अप्रेजल का मतलब है कि डिटेल स्क्रूटनी की जाएगी एप्लीकेशन का वो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और सारे डॉक्यूमेंट जो कि फाइनल यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में है उसको भी देखा जाएगा, और पब्लिक कंसल्टेशन का क्या आउटकम है वो भी यहाँ पे अप्रेजल कमेटी के द्वारा देखी जाएगी। और फिर यहाँ पे जो है ना पहले जो प्रायर आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा। सिक्स में क्या है कि ग्रांट और रिजेक्शन है, यानी कि जो प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसको या तो ग्रांट कर दिया जाएगा या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टेजेस है, टोटल सिक्स स्टेजेस है जिसमें कि किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। तो ये भी आप लोग को स्टेजेस पता होना चाहिए, पहले तो यहाँ पे देखा जाता है कि प्रोजेक्ट क्या है, दूसरी में यहाँ पे आपका प्रिपेयर किया जाता है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, थर्ड में पब्लिक से कंसल्ट किया जाता है, और फोर्थ में यहाँ पे फाइनली प्रिपेयर होता है, फिफ्थ में यहाँ पे कमेटी के पास जाती है तो कमेटी इसको स्क्रूटनी करती है, और लास्टली यहाँ पे या तो ग्रांट कर देगी या तो यहाँ पे आपका रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद जो ये आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 ड्राफ्ट किया जा रहा है, ऑल्सो प्रपोजेज न्यू कमेटी और प्रोसीजर, तो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है जो कि सेंटर, स्टेट, यूटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, साथ ही यूनियन टेरिटरी लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, और साथ ही साथ टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है जो कि यहाँ पे कैटेगराइजेशन और जो रीकैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल में वो यहाँ पे करेंगे, और सारी प्रोसीजर को देखेंगे, स्ट्रीमलाइनिंग को देखेंगे, सारे दूसरे टास्क को भी देखेंगे वो इस कमेटी से अगर यहाँ पे आपका असाइन किया गया, और पर्पस भी देखेंगे ये इस नोटिफिकेशन का। तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा टाइम टू टाइम किया जाएगा। तो ये पूरी बात रही हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इससे कुछ रिलेटेड न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अप्रैल 2020 में जो 3 इंडस्ट्रियल यूनिट जो रन कर रही थी उस केस में बिना किसी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो जो है कंसेप्ट यहाँ पे लगाई थी वो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, और ये यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन्वायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस का तो उसका यहाँ पे डेरोगेशन किया गया, और यहाँ पे जो है वो इस एक्ट के थ्रू 1994 के थ्रू, और साथ तो यही बस पूरी लेसन रही, यानी कि आज के डेट में हम लोग दो यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस किए हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, और उससे पहले हम लोग देखें वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इलीगल वाइल्ड लाइफ, तो ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हम लोग देखें, तो ये दोनों आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी थी, तो मैं यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को आई होप कि आप मैं समझा पाई हूँ। तो गाइज़ ये विजन आईज की मैगजीन है जो कि मुझे PPT फॉर्म में बनानी पड़ रही है, तो प्लीज़ आप लोग इसको भी देखना कंटिन्यू कीजिए, मैं डेली डेली जो है आप लोग से क्वेश्चन भी पूछूंगी। अभी फर्स्ट लेसन है तो थोड़ा ब्रेक हो गया है क्योंकि मैं डायरेक्ट PDF से पढ़ाती थी, अब PPT से, तो नेक्स्ट लेसन से आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो सारे लेसन को ज़रूर देखिएगा। आप लोग को यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है ये आपको विजन आईज ही है, लेकिन मुझे इस तरीके से PPT फॉर्म में बनाना पड़ रहा है, तो आप
आप लोग प्लीज़ यहाँ पे परेशान मत होइए। तो गाइस आज के लिए बस इतनी, अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और फिर भी कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।